जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा बहुत बार किसी के बारे में कि ये तो उसका अवतार है, ये तो पिछले जन्म में ये थे, ये तो पिछले जन्म में कर्ण थे, या ये पिछले जन्म के अंदर विभीषण थे, या ये पिछले जन्म के अंदर कृष्ण के भाई थे या कृष्ण के पुत्र थे। ऐसी बहुत बार आपने बहुत अलग अलग जगहों पर यह बात सुनी होगी, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में दावा किया जाता है कि पिछले जन्म में तो ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, ध्यानी थे। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन जब आप उनको यथार्थ में देखते हैं, आज के जीवन में देखते हैं, तो आपको वहां पर कोई भी सिमिलरिटी ऐसी नजर नहीं आती। यार, ये व्यक्ति दावा तो ऐसा करता है कि पूर्व जन्म में ये थे, लेकिन आज इनका जीवन देखें तो बिल्कुल साधारण सा जीवन है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर पिछले जन्म में इतने बड़े शूरवीर थे, योद्धा थे, ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, तो फिर आज इनका जीवन ऐसा क्यों है? दर्शकों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सनातन रहस्य है। वही सनातन रहस्य मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दर्शकों, जब भी हम इस धरा पर आते हैं और इस धरा पर आने के बाद जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, पाप कर्म करें या कोई ऐसा कर्म करे, कोई तपस्या करे, ध्यान करे, साधना करे, भक्ति करे, इस सारी की सारी ऊर्जाएं हमारी आत्मा के साथ, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट रहती हैं। लेकिन किसी कारणवश जब हम इस धरती पर आते हैं पुनः, तो हमारा पिछला जन्म तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन पिछले जन्म की सारी ऊर्जाएं हमारे साथ कनेक्ट जरूर रहती है। ऐसे में यदि कोई ये कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, तो ऐसे में उनका ये कह देना तो ठीक है, लेकिन फिर उनका वर्तमान जीवन वैसा क्यों नहीं है जैसा पिछले जन्म के अंदर उनका जीवन महान था? तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बात आपके सामने रखता हूं। भगवान शंकर ने जब मां पार्वती से उनको विवाह करना था, तो पार्वती जी ने क्या क्या किया ये आप सबको पता है। यानी उन्होंने ध्यान किया, साधना की, तपस्या की, तब जाकर के भोलेनाथ उनको मिले। जबकि भोलेनाथ भी जानते थे कि पूर्व जन्म में वो मां सती थी, यानी कि भगवान शिव के साथ थी, फिर इस जन्म में उन्हें ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, जबकि वो तो पहले भी भगवान शिव के साथ ही थी। तो इस जन्म में भी भगवान शिव स्वयं जाकर के उनका वरण कर लेते, या उनका प्रस्ताव, मां पार्वती का प्रस्ताव उनके पास जाता तो उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस ऊर्जा को आपने पिछले जन्म में अपने इस शरीर में धारण किया है, इस शरीर में आने के बाद, इस नए शरीर में आने के बाद, आपको उसी चीजों को उन्हें अपने उस शरीर के अंदर वो स्थान देना पड़ता है। यानी कि आपको तप, ध्यान, साधना करके अपनी ऊर्जा के लेवल को उस स्तर पर लाना पड़ता है जहां आपकी पुरानी ऊर्जाएं आपके इस शरीर में समाहित हो सके। यही कारण था कि मां पार्वती को ध्यान, तप, तपस्या करने के लिए कहा गया, और जब उन्होंने ध्यान किया, तप किया, तपस्या की, तो फिर यहां पर उनकी ऊर्जा उस स्तर पर आई जहां भगवान शिव का वो संग कर सके। ठीक यही प्रक्रिया हम लोगों के जीवन में भी होती है। इसीलिए आप देखिए कि कोई व्यक्ति जब बहुत थोड़े समय के लिए ध्यान साधना करता है और वो अपने अंतर के अनुभव इतने बड़े बड़े देखता है, जितना कोई लोग 10-20 सालों से भी कर रहे हैं तो भी वो इतना अनुभव नहीं ले पाते हैं। कारण यही है कि जैसे ही वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, ध्यान साधना की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उनके पूर्व जन्म की जितनी भी भक्ति होती है वो उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। ये प्रोसीजर हमें करना ही पड़ेगा, ये अपने आप नहीं हो सकता। इसको ठीक ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक मकान है, उस मकान में आपकी सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन अब आप उस मकान को छोड़ करके दूसरा कोई मकान लेते हैं, तो क्या वो सारा का सारा सामान एज इट इज वहां अपने आप ट्रांसफर हो जाता है या आपको ट्रांसफर करना पड़ता है? आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ट्रांसफर करने के बाद भी आप ये देखते हैं कि इस घर के अंदर, नए घर के अंदर, मैं किन किन चीजों को कहां कहां व्यवस्थित करूं, ये सब प्रक्रिया आप अपनाते हैं। उसके बाद ही जाकर के आपको अपने पुराने घर की जितनी भी संपत्ति है, यानी जो साधन है, उनका आप इस नए घर में प्रयोग कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर भी जो
हमारी भक्ति है, ऊर्जा है, हमारा तप है, वो हमारे साथ है, सूक्ष्म शरीर के साथ वो हमारे कनेक्टेड है। लेकिन जब तक हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर के अंदर उस आत्म तत्व के साथ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि अपने भीतर ही उस चेतना को जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो भक्ति हमारी फलित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि पिछले जन्मों के अंदर हमने चाहे बेशक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो, लेकिन इस जन्म के अंदर हम एक साधारण व्यक्ति बनकर के रह जाते हैं। इसीलिए अपने भीतर की चेतना को पहचानिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने पिछले जन्मों के कर्म संस्कारों को समझिए और अपने आप को सनातन के इस रास्ते पर चलाने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए आपके जन्म जन्मांतर के जितने भी पुण्य कर्म है, जो आपके पुण्य है, आपकी साधना है, तपस्या है, तपोबल है, वो पुनः आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपके जीवन में वही घटेगा जो आप कई जन्मों से करते आ रहे हैं। तभी आप अपने भीतर उन दिव्य गुणों को भी प्राप्त करेंगे और इस संसार के अंदर वो करने के लिए प्रेरित होंगे जिसे कोई और कर नहीं सकता। इसीलिए दर्शकों, ये सनातन वो रहस्य है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस बात को साइंटिफिकली अगर मैं आपसे कहूं तो क्वांटम इंटिंगलमेंट के बारे में अगर आपने सुना हो, ये एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। और ये रहस्य तो वैज्ञानिकों ने अब ढूंढा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर ये प्रथा, ये प्रक्रिया तो हम लाखों वर्षों से जानते हैं। इसीलिए दर्शकों, इस जीवन के अंदर आप अपने उस तत्व को पहचानिए जो तत्व आपकी वास्तविक पहचान है, और उस तत्व के साथ जो शक्तियां आपके साथ जुड़ी हैं उनको भी पहचानिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ असाधारण करने की क्षमता लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इससे ज्यादा बेहतर मैं आपको आपकी जिंदगी का गोल लक्ष्य नहीं दे सकता। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी गिनती इस संसार के अंदर उन चंद लोगों में होगी जो न जाने कितने युगों के बाद इस धरती पर आते हैं और कुछ बड़ा काम करके इस संसार को एक मैसेज देकर के जाते हैं। अपने इस उस मूल स्वरूप को पहचानिए और इस वर्तमान के अंदर युग परिवर्तन के अंदर अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।